person throws a ball at 15 meters per second at a height of 490 meter. 490 meter से किसी बंदे ने बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया 15 मीटर पर सेकेंड. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. अब कोई अगर फॉर्मूला याद है जी मेरे को नहीं याद फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा और तुम अगली क्लास में भूल जाओगे. 6 महीने तो बहुत दूर की बात है और 2 साल तो बिल्कुल ही भूल जाओ. तो मेरे को ही नहीं याद तो तुम्हें कैसे याद होगा. तो भाई फॉर्मूला याद नहीं करना. यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो बोलो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या है 0. वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन क्या है जी. डिस्प्लेसमेंट क्या है 490. लगाओ एस इज यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. 490 0 प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर टाइम आ गया. क्लियर है? कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है. पहला स्टेप क्लियर. दूसरा क्या कह रहे कि एक्स की वैल्यू भी निकाल दो, रेंज निकाल दो एक्स. अब एक्स निकालने के लिए इक्वेशन किस एक्सिस पे लगेगी? वाई की एक्स. भाई नाम ही एक्स है तो चीख चीख के बोल तो रहा है कि भाई मेरे एक्स एक्सिस पे लगाओ, वाई पे कौन लगाएगा. तो एक्स एक्सिस पे इक्वेशन एक ही लगती है, एस इज इक्वल टू वी टी. तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है इसमें 15 और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 10 150. ये भी क्लियर है. तीसरा ये बताओ कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, ये प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करेगी यहां पे, तो आपको ये बताना है कितनी नेट वेलोसिटी से हिट किया. नहीं इसमें नहीं रूल चलता, वो इसमें नहीं चलेगा कि 15 से आई 15 से गिरी. वो ग्राउंड टू ग्राउंड में चलता है, टावर से ग्राउंड में नहीं चलता. ये नहीं है कि ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, इसमें नहीं चलता. तो आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है. कोई कहता है जी 0, मैंने कहा वो क्यों? कहता है देखो जी बॉल आई, पत्थर आया, टक्कर मारी, वो देखो पड़ा रेस्ट पे 0. भाई वो तो सदा ही 0 पर रहेगा, ऐसे तो कभी चलेगा ही नहीं. तो भाई ये मैंने कहा फिर एक काम कर, वहां जाके खड़ा हो जा, मैं पत्थर फेंक के दिखाता हूँ. फिर कहेगा नहीं चोट लग गई. तो यानी कि वेलोसिटी तो थी, तो हिट करने पे कुछ तो वेलोसिटी लगेगी. तो निकालने का तरीका समझ लो. नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी के 2 कॉम्पोनेंट होंगे. एक क्योंकि 2D मोशन है एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक्स और वाई के अलोंग. तो अगर मैं आपको वी एक्स और वी वाई की वैल्यू बता दूं, देखो वी एक्स में तो कुछ बताना ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा रिमेंस सेम. अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगी 15 ही होगी. कोई डाउट? सिर्फ क्या निकालना है VY. अगर मैं आपको VY बता दूं तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करके आप नेट वेलोसिटी निकाल लेना. तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ V X का स्क्वायर प्लस V Y का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? भाई नेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्रीडिशन, इन दोनों का एंगल क्या है 90. आंसर आधा आंसर तो आया पड़ा है VX, सिर्फ VY निकालना है. VY जो वेलोसिटी है वो Y एक्सिस के अलोंग है कि X के अलोंग है? VY में Y नाम जुड़ा हुआ है तो X के लॉन्ग कैसे आंसर हो सकता है? सोच भी कैसे सकते हैं? तो आंसर द्वारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, VY वेलोसिटी X के अलोंग है कि Y के लॉन्ग? Y के लॉन्ग. तो इक्वेशन किस में लगेगी? एक्सिस Y में. तो लिखो फिर Y. तो Y एक्सिस में, Y एक्सिस के अंदर ये मैंने बता दिया आपको VY निकालना है. Y एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0. फाइनल वेलोसिटी मुझे निकाल, देखो जब मैं VY निकाल रहा हूं बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये देखो इनिशियल 0 है, फाइनल VY है, एक्सेलेरेशन 9.8 है और टाइम टेकन नीचे गिरने का निकाल चुके 10 सेकंड है. तो अप्लाई करो V इज इक्वल टू U प्लस 80. तो फाइनल वेलोसिटी VY, Y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी VY, Y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन 9.8 इंटू 10 98. तो यहां पे पुट कर देंगे 98 आंसर. पर क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साथ में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. डायरेक्शन के लिए इमेजिन करो ये एंगल क्या है बीटा. तो टैन बीटा निकालें, टैन बीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड. ये साइड कितनी है 98, वी वाई की वैल्यू देखो कितनी 98, मिटा हुआ है थोड़ा सा. तो ये जो साइड है वी वाई ये कितनी है, वी वाई इज इक्वल टू 98 और वी एक्स कितनी है 15. तो आंसर क्या आएगा, टैन बीटा इज इक्वल टू क्या 98 डिवाइडेड बाय 15. ये देखो टैन इनवर्स में छोड़ देना आंसर. तो कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? चलो फिर ट्राई करते हैं. ये एक एग्जांपल जो आपने करना है जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, एक्स निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है. सेम क्वेश्चन है.
देखो इसमें क्या करना है, गिवन एग्जांपल में आपको वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक काम करो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्सिस जरूर लिखा करो प्लीज, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है 980, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो हाफ, एक्सेलेरेशन क्या है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम क्या आ रहा है 10√2 सेकेंड। वैसे रूट टू 1.414 है, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट टाइम भी आ सकता है, पर चलो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, इस क्वेश्चन में x निकालना है, x। अब x निकालने का मतलब एक्सिस क्या है, x एक्सिस। x एक्सिस में इक्वेशन ये अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू वी टी, x इज इक्वल टू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है x में कितनी 98 इंटू 10√2 आंसर, दूसरा आंसर जो भी आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक, सबका हो गया ये। तीसरा, आपको वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी के लिए ये वी एक्स है और ये वी वाई है। वी एक्स तो देखो मैं बता दूंगा कितनी 98। वी वाई निकालने के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो एक काम करो y एक्सिस लो, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है vy, तो एक काम करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में फाइनल वेलोसिटी vy, इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम टेकन नीचे का कितना आया था 10√2, तो vy आ गया। तो नेट वेलोसिटी यहां से क्या आएगी, नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर 98 का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर 9.8 इंटू 10 इंटू √2 का होल आंसर। और अगर आपको टैन बीटा इसके डायरेक्शन में निकालनी है, क्योंकि वी वाई की वैल्यू हमने कितनी निकालनी 9.8 इंटू 10 इंटू √2, तो इस ट्राइंगल में टैन ऑफ बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 9.8 इंटू 10 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 90। सॉल्व कर लेना, बीटा इनवर्स में छोड़ना पड़ेगा।